जो गैर पे ईमान रखता है, ये रब कहता है जो गैर पे ईमान रखता है, और दूसरी रिक्वायरमेंट बताई कि फिर स्टेडफास्ट इन देयर प्रेयर्स, कि फिर वो जो है वो नमाज को कायम करता है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है मोमिन की, कि अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखना और उसके साथ रसालत पे यकीन रखना, ये पहली रिक्वायरमेंट है। ये पहला कानून बता दिया रब ने कि अगर तुम मोमिनीन की जमात में शामिल होना चाहते हो, तुम्हारे सजदे उस वक्त कबूल होंगे, तुम्हारा जिक्र उस वक्त कबूल होगा, तुम्हारा एक दूसरे से मिलने का और खैरात करने का उस वक्त कबूल होगा जब मेरी जात पे तुम यकीन कामिल कर लोगे। ये मोमिन की पहली रिक्वायरमेंट। और फिर दूसरी रसालत पे ये साथ है, और उसके बाद जो सबसे पहला हुक्म है कि फिर अपनी नमाज को कायम कर, steadfast in your prayer, ये compulsory prayer जो है, ये और फिर जो additional, optionals जो है, उस पे भी अगर रहोगे, तो फिर रब का इनाम तुम्हें मिलता रहेगा। ये दूसरी requirement है। और तीसरी फिर जो है, इसी तरह जो है ना, five pillars of Islam, उसमें क्या है, तौहीद है, रसालत है, और फिर नमाज है, और फिर तीसरा हुक्म जो है वो ज़कात का है। और रब इस कुरान में कहता है कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से मेरी राह में जो खर्च करोगे तो फिर तुम्हारी जो है वो ई मोमन की दर्जात में पहुंचना। उसके बाद बदला दिया है, यूमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूमिनून। कहा कि फिर आगे कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये रब कह रहा है कि वो लोग द बिलीवर्स आर दोज, वो जो होंगे ईमान वाले जो अल्लाह ताला ने आसमानी कुतुब नाज़िल की है, एक हुक्म आका मदनी दायरे में रब कहता है जो आप पे नाज़िल की गई, जो आपसे पहलों पे नाज़िल की, उस पे यकीन रखेगा। और फिर आखिरी जो है रिक्वायरमेंट मोमिन की, ये जो मैं आखिरत पे डे ऑफ जजमेंट, उस पे अगर उसका यकीन कामिल होगा। देखिए अब क्या है, अल्लाह को गैर पे ईमान रखो, यही है कुरान रब ने कहा, फिर नमाज को कायम करो, फिर जो अल्लाह ने दिया हो अल्लाह की राह में खर्च करना, ये डरे ना कि खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा। रब कहता है तू मेरी राह में खर्च करता है, मैं अब इसका माफ़ बन जाता हूँ ज़कात। और फिर तीन आगे जो है कि जो आसमानी कुतुब है उस पर यकीन रखना, और कुरान अजीम पे यकीन रखना, जो आका मदनी कायनात पे नाज़िल फरमाई गई उस पर यकीन रखना। ये ना सोचना कि ये कामल है, यही का उसका जब यकीन कामल हो जाएगा फिर मोमिन के दर्जे में पहुंच जाएगा, और यो भी आखिरत पे यकीन। और फिर इसका इनाम रब क्या देता है, ये बुलाएगा, ये है ना कि अल्लाह ताला क्या कहता है कि जो अल्लाह के इस पैगाम पे यकीन रखता है, रब के उस पैगाम पे, उसके लिए जो है एक इनाम के दे और सक्सेस, कि फिर वो जो है वो कामयाब है, उनकी जिंदगियां कामयाब है, उनके सजदे कामयाब है, उनका जिक्र कामयाब है। तो ये मेरे दोस्तों, ये मोमिन की रिक्वायरमेंट है, रब ने खुद मेंशन किया इस ग्लोरियस कुरान। और फिर अगर रिगार्डिंग टू द हदीस मुबारक, देयर आर मेनी हदीस, लेकिन मैं आई वांट टू चूज अ फ्यू ऑथेंटिक हदीस फ्रॉम बुखारी शरीफ, फ्रॉम मुस्लिम, फ्रॉम तिर्मिज़ी, फ्रॉम नसाई, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल, जिसने 10,000 हदीसों को अपने सीने में बसाया है, उन्होंने इसे राबी किया है, रवायत की है। और पहली हदीस पाक सैयद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिन की तादाद के हवाले से, सैयद अबू हुरैरा अपने असहाबे सुफा में से हैं जो हर वक्त हुजूर की खिदमत में रहते थे। सैयद अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुस्लिम शरीफ की और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, और हदीस में आता है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारा ईमान है जो रब के महबूब नबी ने कहा कि कुरान है, उसी नूर वाली जबान से रब के महबूब नबी ने कहा कि मेरी हदीस है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कुरानिक वर्स जो उसको जो है एलैबोरेट किया गया है, वो जो है उनके हदीस मुबारक में है। और हदीस में आता है, इस पहली हदीस को मैं लेता हूँ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत है, हुज़ूर नूरे मुजस्सम का सलम फरमाते हैं कि उसका ईमान जो अल्लाह की जात में यकीन रखता है, दी वननेस ऑफ द ऑलमाइट अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखता है, रोजे क़यामत पे यकीन रखता है, और फिर उसकी वजह से उसका हमसाया जो है नेबर जो है वो किसी तकलीफ से आजाद है। कहा फिर दूसरा इस हदीस का टुकड़ा कि उसका वो मोमन होगा जो अल्लाह की जात पे यकीन रखे, रोजे क़यामत पे यकीन रखे, और मेहमान की इज्जत करे। फिर कहा तीसरा जात पे यकीन रखता है, रोजे क़यामत पे यकीन रखता है, और उस
उनकी जबान से हर वक्त अच्छाई के लफ्ज निकलते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, और फिर वो बुराई से जो है वो दूर रहता है या वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। ये मोमिन की अदा है। मोमिन की अदा के हदीस से हदीस में क्या लिखा गया, कितनी खूबसूरत हदीस है, मुस्लिम और बुखारी की हदीस है, और हजरत ने फरमाया कि वो मोमिन होगा कि जो है अल्लाह की जात पे यकीन रखे और रोजे कयामत पे यकीन रखे। ये तो हो गया ना हुकुमुल्लाह। और फिर हजरत ने क्या खूबसूरत बात फरमा दी कि अपने हमसाए का ख्याल। अब ये मेंशन नहीं किया कि हमसाया जो है वो बिलीवर है या डिसबिलीवर है या नॉन बिलीवर है, उसका ये नहीं मैंने मेंशन किया। आपने आपने कहा कि जो अल्लाह की जात पे रोजे कयामत पे और अपने हमसाए को जो है तकलीफ नहीं पहुंचाता वो मोमिन की आदत में से शामिल हो जाता। और तीसरा कि मेहमान की इज्जत करे। ये सारी से बात है, मेरे प्यारे रसूल ने कितनी खूबसूरत बातें कही। एक तौहीद का भी पैगाम दिया, मोमिन की निशानी बता दी, और फिर कहा कि मोमिन वही होगा जिसकी वजह से जिसके रहने से अपने घर में उसका हमसाया भी जो है खुश रहे, फिर वो मोमिन का मकाम हासिल करे। ऐसे नमाजें नहीं कबूल हुए। दूसरी हदीस से बात, और हजरत अनस बिन मालिक की तरह से हुआ है, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है और बुखारी शरीफ की हदीस है, और आप फरमाते हैं कि हुजूर आका मदनी तायदार नूरे मुजस्सम सल्लम ने फरमाया है कि मोमिन जो है उसे मोमिन का इस तरह होता है जिस तरह दीवार होती है। अब आपने फरमाया कि दीवार को इस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि जिस तरह दीवार का एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, इस तरह मोमिन मोमिन को आपस में इस तरह होता है। और फिर आगे इस हदीस को इस तरह बदल की गई, इसे मजीद एक्सप्लेनेशन की गई कि कहते आपने अपने नूरबर उंगलियों को उठाया और ऐसे मिला कहा कि मोमिन इस तरह मोमिन का भाई होता है जिस तरह उंगलियां आपस में मिली। तो फिर क्या ये आदात में से मोमिन की ये हुई, अगर हम अपने हमसाये को तंग करें और अपने भाइयों का ख्याल ना रखें, नमाजों पे जोर देते हैं, हुकुकुल्लाह जो है उसके पे हम पूरा अमल करें लेकिन हुकुकुल इबाद को छोड़ दें, तो फिर मेरे आका ने कहा कि वो मोमिन की मंजिल को नहीं पहुंच सकता। द परफेक्ट बिलीवर जो है उसके लिए ये रुकावट है। ये दो हदीसें सुनाई, इसी हदीस पाक, और ये हदीस पाक हजरत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत, ये नसाई की तिर्मिज़ी और मुस्लिम की हदीस है। और आप फरमाते हैं कि उस वक्त तक वो मोमिन नहीं होता हुजूर आका मदनी कायदार ने अपनी नूर वाली ज़बान से फरमाया है। ये इसे किसी आम बंदे का ये कहानी नहीं मेरे दोस्तों, ये हुजूर जो लीडर ऑफ द प्रॉफिट, जो नबियों का सरदार है, कायनात के हर जर्रे के लिए रहमत बनकर आया है, हर जमाने के लिए मेरे नबी के नूर का पैगाम आम रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है, नूरे मुस्तफा का और नबूवत मुस्तफा का पैगाम इसी तरह जारी और सारी रहेगा। और जो इस पे यकीन रखेगा कि वो आखिरी नबी है, द सीड ऑफ द प्रॉफिट, ये मोहर लगा दी गई है, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और फिर वो जो यकीन रखेगा अल्लाह की बहादुरियत पे, नबी की रसालत पे, और फिर जिस तरह हदीस मुबारक में फरमाया गया इस तरह वो जिंदगी गुजारेगा अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम, तो फिर वो मोमिन की जमात में शामिल हो जाता है। और उसके लिए हदीस पाक में आया कि वो मोमिन हो नहीं सकता कि जिस तरह के वो अपना अपने पसंद के लिए जो खरीदता है अपने भाई के लिए ना खरीदे, वही वो खरीदे जो अपने लिए खरीदता है, जिसे हर चीज उसे ज्यादा पसंद है अपने भाई के लिए वो खरीदेगा, तो फिर वो मंजिल मोमिन की मंजिल होता है। ये कितने खूबसूरत बात हदीस में सरकार ने फरमा दी। और फिर उस ख्याल में चौथी हदीस बात, यह भी हजरत शरीफ एक असाबी रसूल है, उन्होंने इस हदीस को रवायत किया है और इसे मुस्तदरक ने और इमाम अहमद बिन हंबल ने इसे रवायत किया है। और इस हदीस पे है कि हुजूर आका मदनी कायदा नूरे मुजस्सम फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, तीन बार फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कि वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, बखुदा वो मोमिन नहीं हो सकता। जब आप आका हुजूर ने तीन बार ये फरमाया तो असहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है, अर्ज किया हुजूर की बारगाह में वो कौन है जो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, वल्लाहि ला युमिनू, वल्लाहि ला युमिनू, कि वो मोमिन नहीं हो सकता। तो हुजूर ने कहा कि वो कि जिसकी वजह से उसका हमसाया जो है वो आराम में। अब यहां पे अल्लाह की वादानियत का जिक्र नहीं किया गया, यहां पे नेबर्स का ख्याल रखा गया, इंसानियत का ये मैसेज है कि टू रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी,
इस्लाम का मैसेज ही मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड है, ये तो आफाकी मैसेज है। ये रहमतों वाला पैगाम ऐसे नहीं बना कि मेरे नबी की जिंदगी को देखें, उस नूर वाली जिंदगी को, आप उस पाकीज़ा जिंदगी को देखें, द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम, हुजूर की सीरत पाक को देखें, हुजूर की जिंदगी, मक्का की जिंदगी को देखें। जब आपने नारे हक बुलंद किया, जब तौहीद का नारा बुलंद किया, अल्लाह की वहदानियत का नारा बुलंद किया, उसकी रुहियत का जिक्र किया, तो वही वो खून के रिश्तेदार हैं, वही जो है मेरे आका की जान के जो है दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आका जो है उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन जो नूर आका के सीने में उतारा गया है उसको हर वक्त अपने सामने रखे, कहा कि उसी को देखे जो उस पर चलेगा, जो नारे हक बुलंद करेगा और इंसानियत का ख्याल रखेगा, वही मोमन का मुकाम है। इसी केस के रायन में एक और हदीस को उससे पहले हुजूर के उस कैरेक्टर को रखना चाहता हूं कि देखिए हुजूर का कितना पाकीज़ा कैरेक्टर है, कितना आला, जो कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। उमा सल्लत इल्ला रहमतुल आलमीन तबसम होल यूनिवर्स, कायनात के हर जर्रे के लिए रहमत है, हर जमाने के लिए है, हर वक्त के लिए है। ये नहीं कि 1400 साल पहले हुजूर आका मदनी कायदार ने जो पैगाम लाए उन लोगों के लिए रहमत है। मेरा कमली वाला आका जो है जब तक रब की जमीन पे उसका मुखातमियत उसकी रहमानियत कायम है, जब तक ये कायनात कायम है, इस कायनात पे रहमत का पैगाम जो है वो बवसीला मोहम्मद मुस्तफा भी कायम है। ये ईमान तो उस हदीस से बात ने कहा कि वो मोमन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि जिसकी वजह से उसका हया जो है। तो इस हदीस से बात हमने ये क्या सबक मिला कि नमाजों को भी कायम रखो, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारा हमसाया, तुम्हारा भाई भी वह वो भी खुश नहीं, फिर तुम्हारा ईमान कामल होगा, फिर तुम मोमन की आदत में तुम्हारी शुमूलियत हो जाएगी। और फिर ये मकाम आप पांचवी हदीस से बात जो वक्त की कमी होती है, मैं हदीसों का हवाला देना चाहता हूँ। इसमें यह सैयदना अबू हुरैरा कलम से रवायत है और मुस्लिम की बुखारी की हदीस है। आप फरमाते हैं कि मोमन की हैसियत इस तरह, आदत इस तरह होती है, इस तरह आईना होता है, आईने में देखे तो अपना चेहरा नजर आ जाता है। इसी तरह अगर मोमन की जो है आदत इस तरह होती है, अगर वो किसी दूसरे की बुराई को देखता है तो उस बुराई को जो है इस्लाम में बदलने की कोशिश करता है, तो आईने की तरह है, आईने में हर चीज नजर आ जाती है। तो मेरे दोस्तों हमें भी ये चाहिए कि इस दियारे गैर में हुजूर की उन तालीमात को अपनाने की हमें तौफीक अता फरमाए कि जब हुजूर के आका मदनी कायनात रूहे मुजस्सम की करेक्टर को पढ़ोगे, उनकी सीरत को अपनाओगे, मेरा ईमान ये कहता है फिर आपकी सारी जो दुनियावी मुश्किलात है ना वो भी दूर हो जाएंगी। दीन वाली तो होगी दूर, लेकिन दुनिया की भी मुश्किलात दूर हो जाती हैं जब नबी रहमत के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। और जिन्होंने सरकार के दामन को अकीदतों के साथ अपनाया है, जिन्होंने सर की आंखों से चेहरा मुस्तफा को देखकर आपकी जिंदगी के तमाम मामलात को, आपकी खलबत को, आपकी जलबत को, आपके हाल को, आपके काल को अपनी जिंदगी का अपनाया है, आज उनके भी नाम जो है उनके चाहने वालों के सीनों में आबाद है, तो फिर उस आका का नाम क्यों ना आबाद जिसकी खातिर कायनात को सताया गया है, कायनात को बसाया गया है। देखे ना तो ईमानों में जो सबसे आला है, तो जिनके ईमान सबसे आला है, ये कुरान को उठाकर देखे कि रब कहता है कि उनके ईमान आला है जब आका मदनी कायनात ने सबसे पहले तौहीद का नारा बुलंद किया था, तो जिन्होंने सबसे पहले जब बैक कर सरकार के उस नारे के साथ आपका साथ दिया था, उनके ईमान आला है। और उनमें वो वही है जो चेहरा मुस्तफा को देखकर ईमान लेके आए, कि कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम हुजूर के सहाबा इकराम है, वो ईमानों में सबसे आला है, लेकिन उनमें भी फजीलतें रब मेरे रब ने रख दी, मेरे रसूल ने रख दी है कि फजीलतों के लिहाज से जो है वो सबसे आला होंगे वही जो अशरफ बशरा है वो आला है, फिर बदरी आला है, फतह मक्का से पहले जो ईमान ले गया वो आला है, और उन सब में आला जो है वो खुल्फाए राशिदीन है। ये चार जो है जब लैस साहब ये सबसे आला है, और उनमें भी हर एक की अपनी अपनी मोहब्बत है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अपनी मोहब्बत है। और हुजूर ने फरमा दिया हदीस पाक में ये ईमान आला था, तो नबी ने फरमाया था अगर ईमान आला ना होता, ये सोचते कि नबी का इल्म कितना है, नबी की वुसअत कितनी है, नबी देखता भी है कि नहीं, नबी का सोच कैसा है, नबी का बोलना कैसा है, नबी का चलना कैसा है, फिर ईमान आला ना होगा। उन्होंने तो अपनी गर्दनों को हुजूर के उस पैगाम के सामने झुका दिया था, अब गर्दन कट सकती है, लेकिन मुस्तफा करीम के दामन से अलविदा नहीं। और हुजूर ने फरमा दिया
लेकिन अबू बकर सदीक का नाम था। अबू बकर ये ईमान आला था। तो क्या फरमाया कि मैंने दुनिया में सब के एहसानों को चुका दिया, जो भी आए जो मेरे दामन के साथ वस्ता रहे, मेरे करीब रहे, मेरे साथ हवा करते रहे, मैंने सब के एहसान अता उतार दिए। अबू बकर तेरा एहसान तेरा रब न जाने महशर होता है। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत की जो काबिलियत मिली है, अब अगर इस काबिलियत से बाकी सहाबा की फजीलतें कम नहीं होती, हर एक अपनी फजीलत है। देखिए ना हजरत उमर फारूक के लिए रब ने क्या किया, रब के महबूब नबी ने आपने दुआ की थी ना अल्लाह की बारगाह में कि अबू जहल या उमर बिन खत्ताब इनमें से किसी एक को अल्लाह ने इस्लाम के दायरे में, ये दुआ की। और नबी की जब दुआ होती है आप उठते हैं तो फिर इनाम मिलता है कि हजरत उमर आए और उनका ईमान कितना कामल हुआ। हजरत उस्मान गनी को देखे, उनका ईमान कामल हुआ कि फरिश्ते भी हया करते हैं और बोला है कायनात हजरत अली शेर खुदा उनकी अजमतों का सलाम पेश करता हूँ। उनको देखे कि इतना कामल ही इनाम हुआ, ईमान इतना कामल हो गया, कितनी फजीलतें मिली कि मेरा रब का महबूब नबी कहता है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, इतने आला है ये सारे आला है। इसलिए हमारे ईमान सुबह कामल होंगे जब इन सब के साथ हम वफा करेंगे। लेकिन ये जो चार है ये सबसे आला, ये जन्नत है मेरे आला। अल्लाह ताला हमारे ईमान ने कामयाबी अता फरमाए, आमीन। मैं अपने आका से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हमारे दरमियान में डॉक्टर शफी कादरी साहब भी मौजूद हैं, हमारे प्यारे साथियों में से, और जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं रबीउल अव्वल शरीफ के बाकी उन प्रोग्रामों में ये बिल्कुल शामिल होते हैं और ये दिल के साथ शामिल होते हैं। आज ये आए हैं, हम इनके लिए भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला इन्हें अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। एक अच्छा साथी आगे आएगा, हमारी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा पैगाम लेके जाएगा। अल्लाह ताला इन्हें भी कामयाबी उसमें मिला फरमाए कि नमाज के बाद अपना पैगाम भी देंगे। आप जिन साथियों ने सुनते हैं अल्लाह।